मॉर्निंग गाइज, हेलो, दिस इज़ मी विप्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ के रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ, आप सोचो कहाँ जाने वाली, आज मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, एक्सप्लोर करने वाली हूँ पूरा सरोजनी मार्केट। इसलिए आई एम वेरी सुपर डुपर एक्साइटेड, है ना। काफ़ी कुछ कमाई सी हो गई थी रक्षाबंधन में, मैंने सोचा क्यों ना उससे थोड़ा खर्च करके आया जाए दिल्ली जाके। और सरोजनी कभी मैं गई नहीं हूँ क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ, दिल्ली कभी नहीं गई हूँ मैं। तो फिर आज हमने सोचा कि सारे दोस्त लोग मिलकर हम जाते हैं। आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, माई एक्सपीरियंस, माई जर्नी, एवरीथिंग। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द व्लॉग। जी, तो हम बैठे हुए थे स्टेशन पे और वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का। तो हमारी ट्रेन आ गई फटाफट से, इसने हमें ज़्यादा वेट नहीं कराया। फिर क्या था, हम ट्रेन में चढ़ गए और जब आपको पता ही है जब सारे दोस्त साथ होते हैं तो कितनी मस्ती होती है। तो पहले तो हमें थोड़ी नींद के झटके लिए, लेकिन फिर हम गाने वाने सुनते रहे, हंसी मजाक करते रहे और अच्छे अच्छे नज़ारों का लुत्फ़ उठाया हमने, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। फिर दिल्ली भी आ गई। सरोजनी नगर मार्केट और मेरे पीछे है सरोजनी का गेट नंबर 3 और अभी मैं एंट्री लेने वाली हूँ। मैं बोनी के टाइम पे आ गई, अभी टाइम हो रहा है 11 और देखते हैं कैसा सब मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे आते ही 50-50 रुपए की थड़ियाँ दिख गई हैं जिन्हें देख के मैं बावली हो जा रही हूँ। खूब सारा पैसे हाथ में खुश भी हो रही है, जल्दी से उसे खर्च करते हैं। कम ऑन। तो मैंने ना बिना और टाइम वेस्ट करते हुए गेट नंबर 3 से एंट्री ले ली थी और मैंने देखा अंदर घुसते ही मुझे है ना वो पेंडेंट बेचने वाले भैया मिल गए थे। 3-4 भैया थे और इन्होंने 100 में बोला था कि 100 में 2 दूंगा, लेकिन मैंने उनसे बोला तो इन्होंने 100 में 3 देने के लिए राज़ी हो गए। जो क्वालिटी थी पेंडेंट्स की और चेन्स की वो ओके थी, मतलब पेंडेंट तो फिर भी ठीक थे पर चेन्स की क्वालिटी ऐसी है कि हाँ बस थोड़ा टाइम ही चलेगी। और पर मैंने इनसे 3 ले लिए। उसके बाद मैं एक शॉप में गई जहाँ पे इसमें 100 रुपीज़ की टी शर्ट्स मिल रही थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी ऐसी नहीं लगी खास अच्छी, प्रिंट भी अच्छा नहीं लगा और क्वालिटी तो आप पूछो ही मत कितनी ख़राब थी। फिर उसके बाद इसी शॉप में अंदर काफ़ी सारी आपको टीस दिख रही हैं और आपको टाइडाई वाली तो हद मार के मिलेंगी सरोजनी में इस टाइम। और पर ये टाइडाई वाली टी शर्ट्स का ना मुझे साइज़ नहीं समझ आ रहा था कि कितना बड़ा छोटा रहेगा, और जो इनका फैब्रिक था वो भी इतना अच्छा नहीं था। और ये जितनी भी टी शर्ट्स यहाँ लगी हुई है ना, इससे ये सब 250 रुपये की थी। तो मुझे लगा यार 250 में तो मैं मिंत्रा से खूब अच्छी खासी टी शर्ट मंगा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी फिर भी सर्च किया, ये टी शर्ट भी मुझे ठीक लगी थी लेकिन ये थोड़ी क्रॉप थी, मुझे मेरी सिस्टर के लिए चाहिए थी पर मुझे पसंद नहीं आई कोई। फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे गई, वहाँ पे भी ऐसे 100 रुपीज़ की सेल में बहुत सारी टी शर्ट्स थी, पर वही अगेन साइज़ इशू, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लें और कौन सी ना लें। अब देख ही सकते हैं वीडियो में, साइज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। और ये टाइडाई वाली टी शर्ट्स तो यार इतना फैशन चल रहा है इसका, लाइक सरोजनी में भी ना आपको हर दूसरी लड़की ये पहने हुए दिख जाएगी। तो मैं तो बोर ही हो गई और मेरे पास ऑलरेडी एक थी तो मैंने नहीं ली। उसके बाद फाइनली हमें एक टी शर्ट अच्छी लगी और ये जितनी भी टी शर्ट्स इस शॉप में लटकी हुई हैं ना ये सब 200 की हैं, एनी चाहे छोटी बड़ी क्रॉप लॉन्ग कैसी भी आप ले सकते हैं। और इनका फैब्रिक कुछ पता नहीं कैसा है, बस ठीक ठीक था। उसके बाद हम ऐसे ही घूम रहे थे, देख रहे थे कि दूर से कौन सी शॉप अच्छी लग रही है तो उस पर जाएँ जिसके थोड़े कपड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमें एक शॉप मिली जहाँ पे 100 में ट्राउज़र्स मिल रहे थे, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये ट्राउज़र्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसी में रुएं निकल रहे थे, किसी का कलर फेड था और ज़्यादातर तो इसमें जो थे ना वो विंटर्स के थे, तो हमने कुछ लिया नहीं। नेक्स्ट में इस शॉप पर गई, इसमें भी 100 में सेल में सारी जैकेट्स और आपको विंटर वियर मिल रहा था जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप थी, आप देख ही सकते हैं मेरा अनसेटिस्फाइड चेहरा। उसके बाद ना हम एक और शॉप में गए जहाँ पे 200 में नाइट सूट्स के सेट मिल रहे थे और वाइट शर्ट्स मिल रही थी, लेकिन यार इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब थी, ट्रांसपेरेंट थी, तो हमें कुछ खास पसंद आया नहीं। हेलो,
हम ये 100 रुपये वाली ट्राउज़र वाली शॉप पे गए। वैसे वीडियो में देखने में ऐसा लगता है कि कितने खूबसूरत ट्राउज़र्स हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है जब हम सरोजनी की वीडियोस देखते हैं, पर यहाँ पे मुझे एक भी ट्राउज़र पसंद नहीं आया। क्वालिटी और वो बोलते हैं ना आसन उनका बहुत ही लंबा लंबा सा था, तो कुछ खास जचा नहीं हमें। 100 रुपीज़ में वैसे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और बात यार, जब सरोजनी में जाते हैं ना तो ये जो वेंडर्स होते हैं ना, ये ऐसे आपको घेर लेते हैं ना, मतलब इनको पता लग जाता है कि कौन बाहर से आया और कौन यहीं का ही है। और पर आप देख सकते हैं मैं कितना परेशान हो गई हूँ। हमने फिर इस शॉप पे आके सोचा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना बोहेमियन प्रिंट्स के, राजस्थानी प्रिंट भी बोल सकते हैं, कुछ थोड़ा अलग से टॉपर्स लटके हुए थे 200 रुपीज़ में। लेकिन हमको इन टॉपर्स की स्टिचिंग और जो क्वालिटी थी, फैब्रिक जो था, वो अच्छा नहीं लगा। और साइज़ तो समझ आ ही नहीं रहा था लिटरली कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद हम ऐसे ही सर्च कर रहे थे कि यार कुछ तो अच्छा सा मिल जाए ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं जब सरोजनी गई थी तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं ढेर सारे ट्राउज़र्स, बैग्स और हील्स लूँगी स्पेशली। फिर हम दोबारा अपनी खोज में निकल चुके थे इस आस में कि हमें कुछ तो अच्छा मिलेगा, सरोजनी आने का कुछ तो फ़ायदा होगा। फिर फाइनली हमें ग्रेफिटी लेन दिखी, जो कि पता नहीं क्यों खाली पड़ी थी। खैर मैंने देखा है यूट्यूबर्स को, वो ऑलरेडी बता रहे थे कि वो खाली पड़ी रहती है अब। उसके बाद हम चले गए इस बकेट हेड वाली शॉप पे। फिर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बकेट हेड्स ट्राई करी है ना, और मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि वो बोलते हैं कि ये बार्गेन नहीं करते हैं, 200 कोट करते हैं और 200 में दे देते हैं, मतलब वो तो 250 बता रहे थे, पर ये मैंने 200 में ले ली। और मैंने आगे एक दो और शॉप्स थी जहाँ पे पूछा था, तो वो तो बोल रहे थे कि 300 में दोनों दे देंगे। फिर मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने तो यूट्यूबर्स को देखा है कि वो 250 में ही ले जाते हैं। फिर वहाँ मंदिर के सामने ये बैग्स वाली शॉप थी, जो कि सारे बैग 350 के दे रहे थे, एनी बैग एट 350। फिर यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा डिगिंग करी कि कुछ अच्छा हमें मिल जाए, और ये बैग्स ऐसे ही पड़े हुए थे तो इन पे धूल वूल भी जमी हुई थी। और हमने काफ़ी सारे देखे पर सब ऐसे ही थे जो आपको नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे शायद इसी रेंज में, तो हमें कुछ खास अच्छा लगा नहीं। और मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं सिमिलर से, तो मैंने इसलिए लिए नहीं। फिर इस शॉप पे भी देखा, यूसी का पार्ट है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर फाइनली हम पहुंचे इस शॉप पे जो कि है एकदम इंसेंस के जस्ट सामने, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है इस शॉप पे आते हुए, जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, और यहाँ से वो बहुत ही अच्छे अच्छे से है ना, वो बीच काइंड ऑफ बैग्स नहीं होते थ्रेड वाले, वो लेके जाते हैं, और ऐसे जूट बैग्स। तो पर आप देख सकते हैं मेरा अनसेटिस्फाइड चेहरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस जूट बैग्स थे, तो हमने कुछ नहीं लिया। फिर बिक्सी के बगल में ही ये एक शॉप है पर्स की, यहाँ पे बहुत सारे हैंडबैग्स थे आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे भी थे। लेकिन अगेन इसमें जो ज़्यादा अच्छे थे ना, उनका तो प्राइस 500, 600, 700 था, तो उनको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर सरोजनी किस बात के लिए आना, फिर तो अपन ऑनलाइन ही ले सकते हैं। जो 350 की रेंज में जो बैग्स थे ना, उसमें से हार्डली मुझे कोई पसंद आया, तो मैंने वो एक बैग ले लिया बस जो मुझे ठीक लगा। उसके बाद यहाँ पे इटर्निटी के बगल में ये भैया हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ऑक्सीडाइज्ड और है ना जंक ज्वेलरी बेचते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे चोकर्स और बहुत बड़े बड़े ईयरिंग्स, नेकलेसेस लटके हुए हैं। लेकिन मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन है चोकर्स का, और जब मैंने इनसे रेट पूछी तो इनकी रेट काइंड ऑफ सिमिलर थी जो मुझे अलवर में मिल जाते हैं चोकर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ ज़्यादा लिए नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए थे इस बैग की शॉप पे, इस पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे, और इस वाइट वाले बैग पे तो मेरी अभी नज़र गई है, आई डोंट नो व्हाई मैंने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ इन पे काफ़ी अच्छे बैग्स थे। और हम एक बैग चेकआउट भी कर रहे हैं जो कि किसी शायद लुई विटों के बैग की कॉपी था, आई डोंट नो, पर ये हमें काफ़ी प्रिटी लगा था और बहुत ही क्लासी सा है आप देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसका 650 कोट किया था और ये 1 रुपया कम नहीं कर रहे थे, तो हमने ये छोड़ दिया दुखी होके। हाँ इस शॉप पे वो काफी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी बैग्स की। तो अब हम जा रहे हैं हल्दीराम्स क्योंकि हम थक गए हैं, हम सुबह भूखे आए थे ट्रेन में बैठ के। और सरोजनी में जाके ना तो मुझे पागल से हो गए, समझ नहीं आया यार क्या ले क्या नहीं ले। और मैं सच बताऊँ तो मुझे 150 रुपये वाली थड़ियों पे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, शायद कपड़े की वजह से, कभी ऐसा ख़रीदा नहीं है इसलिए। लेट अस सी, अभी तो बहुत एक्सप्लोर करना है, पर हम थक गए थे, हमें भूख लग रही थी, इसलिए हम हल्दीराम जा रहे हैं। यहाँ पे KFC भी है, चिकन विकन खाना है तो वो भी खा सकते हैं। एकदम जस्ट सरोजनी के पीछे ही मॉल है, इसमें मैकडोनल्ड्स भी है। हाँ लेट अस सी। तो फाइनली हम आके बैठ गए हल्दीराम्स,
अभी मेरी टेबल डिसाइड नहीं हो पा रही है कहाँ बैठे कहाँ बैठे। ठीक है चलो। बैक इन सरोजनी और यहाँ पे 350 में सेल लगी हुई थी और शूज़ मिल रहे थे, स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर, जो चाहे ले लो, फॉर मेंस एंड वुमेंस बोथ। और मैंने यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स शूज़ ट्राई करे लेकिन इन भैया को पता नहीं क्या जल्दी थी, पैर में डालते उन्हें वापस निकाल रहे थे और काफ़ी हार्ड था इनका सोल तो मैंने लिया नहीं कुछ। उसके बाद हम आ गए थे इस बैग्स की शॉप पे और आप देख सकते हैं मैंने उन्हीं जूट वाले बैग्स को, वुडन बैग्स थे बेसिकली, इनको हाथ लगा रखा है। बहुत ज़्यादा प्रिटी थे, सुंदर थे और यहाँ पे काफ़ी क्लासी बैग्स थे और होम डेकोर का सामान भी था लेकिन इन भैया ने बहुत ज़्यादा कोट किया था, शायद इन्हें हमारी शक्ल पे दिख गया था कि हम नए हैं तो हमने कुछ लिया नहीं है कि इस शॉप से। उसके बाद हम आए इस शॉप में तो यहाँ पे मिल रही थी 200 में ये सुंदर सी टीज और वही टाइडाई वाला बोरिंग पैटर्न नहीं था, मैं तो उससे पक चुकी हूँ अब, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक से पैटर्न थे तो मैंने यहाँ से दो टी शर्ट्स ली हैं और इनका फैब्रिक बहुत ही ऑसम था। मैं और मेरी सिस्टर चेक कर रहे हैं कुछ कटा फटा तो नहीं है, नॉट लगा के पहनने पे यही टी शर्ट बहुत ज़्यादा क्लासी लगेंगी तो मुझे ये बहुत पसंद आई। उसके बाद हम फिर से चले गए थे गेट नंबर 3 पे जहाँ पे आपको ये बहुत ही सुंदर से डेंटी ईयरिंग्स मिलते हैं, बहुत ही क्लासी से, आपको ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर्स पे दिख जाएंगे। और मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा शौक चल रहा था अपने वीडियोग्राफी दिखाने का, इसलिए वो ऐसे ऐसे कैमरा एंगल से हिला हिला के वीडियो बना रहा है, मैं उसको घूर रही थी। उसके बाद हमने यहाँ से बहुत सारी ईयरिंग्स लिए हैं, इन्होंने 50 का बोला था हमको जो कि डिसेंट प्राइस है और बड़े वालों को उन्होंने 100 का बोला था। उसके बाद मैं आ गई थी इस फुटवेयर वाली शॉप पे और आप देख सकते हैं इसके पास जो पीसेज रखे हुए हैं वो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग और खूबसूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन से पीसेज हैं और ऐसे आपको इजीली किसी भी साइट पे मिल जाएंगे। ये ब्रेडेड पैटर्न मुझे ज़बरदस्ती ट्राई करवाया गया था पर ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था ये लेने का, ना ही मैंने ये लिया। मुझे सैंडल तो एक भी अच्छी नहीं लगी सरोजनी में और द रीज़न क्योंकि वो 750 कोट कर रहे थे तो भैया इतने में तो मैं फ्लिपकार्ट से बहुत ही ईजिली 500 रुपये में बहुत अच्छी सैंडल ले सकती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। गाइस सो वी डन शॉपिंग फ्रॉम सरोजनी। हाँ हमारी हालत ख़राब हो गई, हम 11 बजे से भटक रहे हैं, बीच में बस खाना खाया था, अब 5 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं दोबारा हल्दीराम और वहाँ जाके चाय पीने वाले हैं। मेरे को जो चाहिए था मेरे को वो मिला नहीं इसलिए आई एम लिटिल अपसेट क्योंकि मुझे सैंडल्स नहीं मिली, बहुत महंगी बता रहे थे, 700 रुपये की, ऐसे तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकती हूँ। और मुझे बैग्स भी नहीं ज़्यादा पसंद आए, वही नॉर्मल थे जो फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, कुछ भी ऐसा ज़्यादा खास नहीं था। तो देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वैसे काफ़ी कुछ लिया है मैंने जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ही, और यस मैं आपके साथ बहुत जल्दी इसका ट्राई ऑन हॉल शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब बस हम चले जाएंगे, हमारी ट्रेन तो रात के 10:30 बजे, तब तक देखते हैं हम कैसे अपना टाइम पास करते हैं। तो या अब हम चाय पीने जा रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, मुझे दवाई भी लेनी पड़ेगी, तो आपसे बात मिलती हूँ, बाय। घूमने आए हैं, मैंने देखा नहीं, मैं दिल्ली में कुछ भी नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, ऐसे समझ सकते हैं आप, मैंने घूमा बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली तो। हाँ फोटो खिंचवाई जा रही है। ये बेयर आइस से बहुत अच्छा लगता है, इतना पता नहीं, खैर इसकी ब्यूटी को जितना मैं बताऊँ उतना कम है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
मेरा फ्रेंड मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, अभी हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा लगता है यार, ऐसा लगता है तब कुछ हिस्ट्री सामने आ जाती है। जितना ओरिजिनल है ये आधा अधूरा सा भी कितना खूबसूरत लगता है यार। हकीकत असली ब्यूटी तो इसकी यही है, इतने सालों से यहाँ पर है। ये है वो पिलर, ये आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, इसमें ऐसे बोलते हैं ना, अगर इसमें खड़ा होकर और पीछे ऐसे हाथ फोल्ड करके, क्योंकि पिलर पूरा आप उसमें आ जाता है ना हाथों में, तो मतलब आपकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी जो आप मांगेंगे, बट इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। खूबसूरत लग रहा है, वाओ लाइटनिंग ऑसम। तो बस हम एक ही जगह घूम पाए, हमने कुतुब मीनार देख लिया, ये पीछे से भी खूबसूरत है, आगे से भी, वैसे गोले हर जगह से खूबसूरत है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली सराय रोहिला, वहाँ पे हम जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर हमारी 10:30 बजे ट्रेन है, फिर हम जाते ही ट्रेन में पड़ जाएंगे, हम सो जाएंगे, फिर हम 3 बजे जयपुर पहुँचेंगे। उफ़, आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन हमें मज़े भी आए। पता नहीं सरोजनी ने मुझे थोड़ा अपसेट किया यार, उतना अच्छा नहीं मिला मुझे वहाँ पे कुछ भी जितना मैंने सोचा था। That's pretty much it for today's vlog. So मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो, आई मीन अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है, शायद मेरे सर पर चढ़ गया है आज का दिन, तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड स्टे हाइड्रेटेड। आई लव यू सरेंगे।